नमस्कार, मैं हूं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश और राज्य की 21 प्रमुख खबरों में। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद रोहतांग पास पर्यटकों के लिए बंद, सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को मिलेगी इजाजत। टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर के कई स्थानों पर हुई छापेमारी, NIA ने CRPF के जवानों की भी ली मदद। सुप्रीम कोर्ट ने रोकी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र सरकार और CBI को भेजा नोटिस। कई राज्यों में बनाए जाएंगे स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय, समाज को करेंगे एकजुट, बोले गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले पूर्व CM कमलनाथ, सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% घटाया गया वैट। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के बाद खींचतान शुरू, विभागों के बंटवारे पर गहराया विवाद। निर्मला सीतारमण ने जम्मू और कश्मीर में आयकर भवन का किया स्वागत, कहा 70 सालों तक यहां लोगों को विकास से रखा गया था दूर। हांगकांग में नया कानून, पब्लिक स्कूलों में लहराना पड़ेगा चीन का झंडा, गाना होगा चीनी राष्ट्रगान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुंह तोड़ जवाब देने वाले बयान से आग बबूला हुआ पाकिस्तान, बोला आक्रामकता का जवाब देने को तैयार। घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि हुई आधी, CM बघेल के निर्देश पर लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ संबंधी गतिविधियों पर से हटाई रोक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक, PM मोदी भी हो सकते हैं शामिल। IIT बॉम्बे में छात्र के दाखिले के लिए एक सीट निर्धारित करे संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सिद्धू बोले राहुल और प्रियंका गांधी के प्रति मरते दम तक रहूंगा वफादार, मांगा पंजाब चुनाव में महिलाओं के लिए 50% कोटा। भिलाई में पार्षद के हत्या के मामले में दुर्ग और रायगढ़ से 4 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर फिर हुई शर्मसार, परिचित महिला को घुमाने के बहाने दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। पुदुचेरी, नागालैंड समेत कई राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन कवरेज काफी कम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की माइक्रो प्लान बनाने की अपील। मशहूर एक्टर कमल हासन कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, MSP कानून बनेगा तभी आंदोलन होगा खत्म। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, पंजाब में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोग देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।